और बात अब मुस्लिम आरक्षण की कर लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए हैं। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की, जिसके बाद पीएम मोदी ने लालू यादव को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का सच सामने आ गया है। हालांकि कुछ ही देर बाद लालू ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन तब तक उनके बयान पर हंगामा मच चुका था। देखिए रिपोर्ट। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। महज 6 घंटे के अंदर आरजेडी सुप्रीमो को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा और अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी, लेकिन तब तक लालू का बयान सियासी गलियारों में हाहाकार मचा चुका था। आरक्षण पर लालू के बयान की टाइमिंग देखिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझ में आएंगे। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका था। 2 चरणों की वोटिंग के बाद तीसरे फेज में भीड़ ज्यादा नजर आने लगी, तभी लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण के सुलग रहे मुद्दे में घी डाल दी। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारे बात आ गई है, इस तरह का बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू के बयान ने चुनाव के दिन मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई। लालू के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन पलटवार कर दिया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले से ये कहते रहे हैं कि ये ओबीसी आरक्षण को काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब लालू के बयान ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में रहने वाले करीब 25,000 परिवारों और दुकानदारों को अब बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने करीब 11 साल पहले लगी बिजली कनेक्शन की रोक को हटा लिया। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की बेंच ने यह आदेश पृथ्वीराज नगर के निवासियों और जयपुर विद्युत वितरण निगम की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया था। कोर्ट ने माना है कि विद्युत अधिनियम की धारा 43 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है। बताते चले कि 5 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पृथ्वीराज नगर में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगाई थी। और फैसला आने के बाद पृथ्वीराज नगर के लोगों का यह कहना है कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, लंबी लड़ाई के बाद आज हमें जीत मिली है, हम हाईकोर्ट के फैसले के प्रति आभारी हैं।